हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंट कंपनी के हार्ड ड्राइव के बारे में। गाइस, मेरे पास है अभी 500 GB का ये हार्ड ड्राइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, कैसा है ये, मतलब कि इसकी स्पीड कैसी है ट्रांसफ़र डाटा की, एंड टोटल ओवरऑल जो इसका प्राइस है उसी के हिसाब से ये बेस्ट रहेगी, या फिर कोई हमें तोशीबा सेगेट कोई और कंपनी के लिए देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया 5 GB की स्पीड, USB 3.0, LED प्लग एंड प्ले है सिंपल, एंड इसमें आपको PC डॉक्टर भी मिलता कुछ अंदर, एंड 3 साल का वारंटी मिला है, 500 GB का स्टोरेज है। पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर मेंशन किया गया है प्लग एंड प्ले, एंड ये आप देख सकते हैं अल्ट्रा लाइट एल्यूमिनियम केस, एंड इसका जो MRP है वो है कुछ 3,500, एंड 250 ग्राम इसका वेट लिखा है। तो गाइस, मैं अब आप इसको खोल के दिखा देता हूँ। खोलने के बाद हमें कुछ ये वाला मिल जाता है गाइस, ये वाला इंटरफेस अभी आ गया, एंड इसको भी हम खोल लेते हैं, और तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। एंड ये दोनों खाली बॉक्स को मैं अभी रखता हूँ साइड में, एंड देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको मिल जाती है किसकी वायर, यहाँ पर तो सिंपल इधर USB वाला है, एंड इस साइड की देख सकते हैं तो वो हार्ड डिस्क वाला ही आपको वो मिल जाता है स्लॉट, एंड यहाँ पर फिर वही सेम पैकिंग के साथ अभी कर लेते हैं इसको ये प्लास्टिक का रैपिंग। एंड ये रहा आपका मेन हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव के ऊपर क्या क्या मेंशन आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंट कंपनी का यहाँ पर वो लोगो सा लगा है, एंड 500 GB USB 3.0। तो वेट इसका काफ़ी कम है, 250 ग्राम्स के आसपास है, एंड मेटल बिल्ड है, सारा मेटल एल्यूमिनियम है, एंड हल्का है, कंसिस्टेंट लिखा है। एंड साइड की बात कर लें तो यहाँ पर वो आपको पोर्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पर है कुछ छोटा सा शायद LED इंडिकेटर है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बस यही था आपके इस बॉक्स में, कुछ और नहीं मिला आपको। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको लगा कर दिखा देता हूँ। गाइस, इसको मैंने अभी लगा दिया, आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर, ये आपको ब्लू कलर की यहाँ पर फ्लैश लाइट मिल जाती है, एंड इसको अगर हम उठाते हैं जब ये मतलब कि अभी इसमें ऑन है तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि इसमें जो होता है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है। मैं आपको अभी ले चलता हूँ दिस PC में, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट है, एंड यहाँ पर कुछ मेंशन किया है आपको 465 GB, तो आपको 500 में 465 GB ही मिलता है। आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो ये मेरा कुछ डाटा पड़ा है इसमें ऑलरेडी, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज भी अगर देखना चाहे तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी दिखा देता हूँ। तो ये लीजिएगा, इस फ्री स्पेस अभी 427 GB है, नाम है इसका कंसिस्टेंट, एंड बाकी आप सारा देख सकते हैं। तो अभी हम कर देते हैं इसको ओके। एंड तो गाइज, ये था आज की वीडियो में हार्ड ड्राइव के बारे में, एंड इसके रिव्यू के बारे में आपको बता दूंगा। गाइज, मैंने ये मार्केट से परचेज़ की है, तो मुझे इसका कॉस्ट पड़ा है कुछ 2,300। मैं आपको बिल भी शायद शो बिल तो भी शायद पता नहीं कहा होगा, तो 2,300 की मुझे ये ऑफलाइन मार्केट से पड़ी है। उन्होंने मुझे और भी दिखाई थी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, तो शिबा, तो गाइज़ वो पड़ रही थी कुछ 4,000 के आसपास, लेकिन मेरा इतना यूजेज नहीं था, तो उन्होंने कहा इसका भी वारंटी गारंटी 3 साल का है, तो मैंने कहा यार ये वाली ले लेते हैं एक बारी। तो गाइज, ये वाली मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो अगर आई तो फिर उन्हीं के पास मैं जाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।